बॉलीवुड की पूर्व मिस वर्ल्ड रह चुकी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय अपनी खूबसूरती और अपने अभिनय के लिए जानी जाती रही हैं, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम दिया है। अपनी खूबसूरती और अभिनय के दम पर आज ऐश्वर्या राय ने सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना ली है। पर इन्होंने जितने अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट बटोरी, उससे कहीं ज्यादा इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर विवादों का सामना किया। और आज हमारी इस वीडियो में हम आपको ऐश्वर्या राय से जुड़े उन कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में ही बताने वाले हैं, जिन्होंने ऐश्वर्या राय को खूब लाइमलाइट में रखा। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सी हैं वो कॉन्ट्रोवर्सीज जिसकी वजह से ना सिर्फ ऐश्वर्या राय को बल्कि पूरे बच्चन परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नंबर वन, सलमान खान के साथ रिलेशनशिप। एक समय बॉलीवुड में ऐसा था जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्यार के चर्चे हुआ करते थे और वो हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते थे। लेकिन उस समय भी सलमान खान अपने गुस्सैल बिहेवियर की वजह से मशहूर थे। इन दोनों के रिश्ते में एक मोड़ उस समय आया जब सलमान खान ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारते हुए नजर आए थे। दरअसल सलमान खान ने फिल्म कुछ न कहो के सेट पर ऐश्वर्या राय को नीचे की तरफ धकेल दिया था और उन्हें थप्पड़ तक मार दिया था, जिसके बाद उन्होंने फिल्म चलते चलते के सेट पर भी ऐश्वर्या को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। लेकिन उस फिल्म के दौरान वहां शाहरुख खान मौजूद थे, जहां दोनों के बीच के झगड़ों को देखकर उन्होंने सुलह करवाई। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या राय ने बताया कि जब कई बार सलमान ने उन्हें थप्पड़ मारा तो वो लकी रही थी कि उनके चेहरे पर किसी तरह का निशान नहीं पड़ा, जिसके बाद इन दोनों का ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया था। नंबर टू, धूम टू मूवी में किसिंग सीन। धूम टू फिल्म रिलीज हुई तो ऋतिक रोशन के साथ उनके लिप लॉक की वजह से काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी हो गई थी, जिस वजह से अमिताभ बच्चन काफी नाराज भी थे, जिसके चलते उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से नाराजगी जाहिर करते हुए फिल्म में किसिंग सीन हटवा दिए थे, जहां वो धूम टू में ऋतिक रोशन के साथ लिप लॉक करती हुई नजर आई थी। इसके बाद से ही इन्होंने फिल्मों से दूरियां बना ली थी। लेकिन जब ऐश्वर्या ने फिल्मों में कम बैक किया तो फिल्म ए दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर के साथ कई सारे इंटीमेट सीन्स दिए, जिसकी वजह से बच्चन परिवार काफी नाराज भी हुआ था और उनका कहना था कि वो एक ही गलती दो बार कैसे कर सकती हैं, जहां ऐश्वर्या राय की इन हरकतों की वजह से बच्चन परिवार को कई जगह शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा था और उन्होंने ऐसी ही हरकतों की वजह से बच्चन परिवार का नाम भी डुबा दिया है। जहां ए दिल है मुश्किल फिल्म में उनके इंटीमेट सीन्स काफी ज्यादा बोल्ड थे और बच्चन परिवार इन सभी चीजों से काफी परेशानियों में आ चुका था। जहां बच्चन परिवार की माने तो उनके परिवार में किसी को भी पता नहीं था कि इस फिल्म में उनके इतने सारे इंटीमेट सीन्स होने वाले हैं। नंबर थ्री, एक आम व्यक्ति ने कहा कि ऐश्वर्या है उनकी सगी माँ। दरअसल ये विवाद काफी पेचीदा और अलग है, जहां आंध्र प्रदेश के एक युवक संगीत कुमार ने ऐश्वर्या राय को अपनी सगी माँ बताया था और जब ये बात ऐश्वर्या राय को पता चली तो वो ये बात सुनकर काफी हैरान हो गई थी। और काफी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि संगीत कुमार को दिमागी बीमारी है, जिस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे थे, जहाँ वो पहले भी कई बॉलीवुड स्टार्स को अपने रिश्तेदार बता चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ऐश्वर्या राय की इन कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में जानकर कैसा लगा और आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।